झारखंड के धनबाद के DRDA सभासागर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आयुक्त ए डोडे ने चिरकुंडा नगर परिषद व नगर निगम के चुने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई है। चिरकुंडा नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी 21 वार्ड सदस्यों के अलावा निगम के 2 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ लिया। सबसे पहले चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष बबलू बावरी को आयुक्त ने द्वारा शपथ दिलाई गई। फिर उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने ली शपथ ली। उनके पश्चात एक के साथ सभी 21 वार्ड सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। अंत में वार्ड के 31 तथा 40 के विजय प्रत्याशियों ने भी शपथ लिया। समारोह में उप प्रत्याशियों के अलावा DC समेत DDC ADM सप्लाई निर्वाचन अधिकारी DRDA निर्देशक सभी RO उपस्थित हुए। चरकुंडा नगर परिषद के चुनाव में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर आयुक्त उपायुक्त ने सभी की टीम के रूप में चिरकुंडा की जनता के हित में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए फंड भी आवंटन होगा। जिस निष्ठा भाव के साथ शपथ लिया गया उसका पालन करते हुए अपनी जिम्मेवारियां को निर्वहन करें। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष बबलू बावरी ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को हम तैयार हैं। आने वाले समय में चिरकुंडा नगर परिषद एक मॉडल टाउन के रूप में विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। वहीं वार्ड 31 की पार्षद सुमन सिंह ने कहा कि निगम में फंड की कमी है, अगर फंड समय पर मिल जाए तो विकास तेजी से होगा। वार्ड 40 के पार्षद सुजीत सिन्हा ने कहा है कि जनता ने हमें चुन कर भेजा है, हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। ये जिम्मेदारी पहले भी है हमारे ऊपर, क्योंकि हम पहले भी जीते थे, हमारा परिवार काम कर रहा है, जनता के साथ है और आज भी हम जीत के आए हैं, तो हम जो काम अधूरा रह गया वो सारा पूरा करेंगे। आपको ये नजर में क्या लगता है कौन सा काम अधूरा रह गया? हमें फंड की बहुत कमी है, जो निगम से हम हमेशा कहते हैं जो हमें नहीं मिल रहा है। नाली बहुत बुरे हाल में है, रोड का वहाँ ठीक नहीं है, हमें फंड की बहुत ज्यादा। आपके वार्ड में पानी की ज्यादा समस्या है, उसके लिए पानी की भी बहुत समस्या। हम तो काम करने को तैयार है, क्योंकि हमें 2 साल के बाद फिर जनता के बीच में जाना है, पर हमें फंड तो मिले जिससे कि हम अपना काम कर सके। फंड की बहुत क्राइसिस है, प्लीज आप अपने चैनल के थ्रू। जीत के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और विधिवत तौर पर जो कार्य जो बाधित है उसको हम पूरा करेंगे। और चिरकुंडा की जनता जानती है विकास कैसे होता कैसे हुआ है। आने वाले समय में चौमुही विकास होगी, क्योंकि पहले हम निर्दलित थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी का बैनर तले हम लोग चुनाव लड़े हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और शहर की भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी तो विकास चौमुही होगा। मेरा अगला रीजन में भी कोई फंड वापस नहीं किया और हम लोग चाहेंगे कि अब तो सरकार में अब तो फंड की कमी नहीं होगी, विकास चौमुही होगी। और विकास अपने क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुए भी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास में भी हमने पूरे झारखंड में फर्स्ट रहा और चाहे स्वच्छ भारत अभियान 2018 का, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में 4041 निकाय में ऑल ओवर इंडिया में 4041 निकाय में से हम लोग टॉप 10 में थे। ODF भी हम लोग 2 बार घोषित हुए हैं और बाकी जो टाउन हॉल है, मैरिज हॉल है, ये सब जितने भी योजना धरातल पर चल रही है, काम आने वाला समय में चिरकुंडा एक मॉडल चिरकुंडा के रूप में उभर के आएगी, ये जनता को विश्वास है। कहना ये कि जनता को पूर्ण रूप से अच्छा से बहुमत से जिताया है और मेरा जितना एसेट रहेगा वो जनता के प्रति अब काम करने, मतलब गरीब आदमी जितना जनता जितना अपना सहयोग दे सके। फंड का रोना हर पार्षद रोता है कि हमारे क्षेत्र में फंड नहीं पहुंचता है, जो नगर निगम में पास फंड की कमी है, उससे कैसे फंड लिया जाएगा? फंड का रोना क्या, लेने का ताकत होना चाहिए, फंड लिया जाएगा। मेयर साहब हैं इस समय, उसे फंड लेके गरीब आदमी को जितना रोजगार चाहे सफाई हो चाहे पानी का कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता इस बार हमको जनता के विश्वास। धनबाद से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।